अरे अरे ये क्या हो रहा है, देखिए कैसी एक शख्स इस पुतले को लेकर खड़ा होता है। फिर ये पुलिस के अधिकारी भागते हुए तेजी से आते हैं और इस पुतले को लेकर भाग खड़े होते हैं। लेकिन ये पुतला किसका है कि जिसके लिए मची है ये छीना झपटी भागम भाग। तो जनाब ये कोई आम पुतला नहीं है, ये पुतला तो है सूबे के मुखिया का, जी सीएम योगी का, इसलिए सब भागम भाग है। ये तस्वीरें हमीरपुर की हैं जो अब खूब वायरल हो रही हैं। चलिए अब विस्तार से ये भी जान लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। पुतला लेकर भागा भागी की घटना हमीरपुर जिला अदालत की है, जहाँ पर वकील लोग अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी का पुतला जलाने जा रहे थे। तभी वहाँ हमीरपुर थाने के इंस्पेक्टर आ गए और उन्होंने वकीलों के हाथ से पुतला छीन कर दौड़ लगा दी। ये देखकर वकील भी नारे लगाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे भागे, लेकिन इंस्पेक्टर की फुर्ती के आगे वकीलों की ना चल सकी। इंस्पेक्टर साहब ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए सीएम के पुतले को पुलिस गाड़ी में डाल दिया और इसे बचा लिया एकदम वीरता दिखाते हुए। तो वकील पुलिस गाड़ी के पीछे पीछे नारेबाजी करते हुए भागते दिखाई देते हैं। नारेबाजी और तेज हो जाती है क्योंकि प्रदर्शन का पूरा इंतजाम जो इंस्पेक्टर साहब ने चौपट कर दिया। इसके बाद तो मानो वकीलों का गुस्सा और सातवें आसमान पर चढ़ गया। सरकार का पुतला फूंकना था और प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना था, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन के दम पे ये पुतला नहीं फूंकने दिया गया और ये सरकार पुलिस प्रशासन को आगे करके लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अधिवक्ता कल्याण निधि स्वास्थ्य पेंशन योजना अधिवक्ताओं की मांगे सरकार नहीं मांग लेती। वहीं अब ये पुलिस और वकीलों के बीच छीना झपटी और भागम भाग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी ली। अखिलेश इस घटना का वीडियो शेयर कर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने से बचाकर भागने वाले पुलिस वाले को पुरस्कार स्वरूप अस्थाई ही सही नगर का कार्यकारी कप्तान बना देना चाहिए। भाजपा राज में पुलिस वाले भागने में पारंगत हो चुके हैं। जनता पूछ रही है जो आईपीएस भागा था उसका कुछ पता चला। ऐसे ही कई यूजर्स पुलिस इंस्पेक्टर की इस दौड़ पर मजेदार कॉमेंट कर रहे हैं। खैर चलिए अब जान लीजिए इन वकीलों की आखिर क्या मांग है जिसके लिए ये यूं प्रदर्शन करने उतरे। अधिवक्ताओं के बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पे ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं की समस्याओं पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मौजूदा सरकार से मांग की गई है कि समस्त अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को मृत्यु पर एक समान धनराशि दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, सभी जिला व तहसीलों में अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण कराया जाए, मृतक अधिवक्ताओं के मृत्यु दावा भुगतान का अविलंब निस्तारण किया जाए, अधिवक्ता कल्याण निधि को संपूर्ण धनराशि एडवोकेट वेलफेयर फंड के ट्रस्ट के पक्ष में अवमुक्त किया जाए। तो वकील कहते हैं कि उन लोगों की अनदेखी की जा रही है, सरकार उनकी मांगों को मानने की बजाय पुलिस को लगाकर उनकी आवाज दबा रही है। वैसे हमीरपुर थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर दुर्गविजय सिंह की स्फूर्ति पर आप लोग क्या कहेंगे और ये जो पुतले की मारा मारी थी, छीना झपटी थी, भागम भाग थी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।